सर एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं हेमंत कुमार आपके साथ। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे सर, सॉल्यूशन मैनेजर के बारे में बताइए, सॉल्यूशन मैनेजर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, सैलरी कितनी रह सकती है, कितना टारगेट आता है, एक्चुअल काम क्या होता है सॉल्यूशन मैनेजर का इन ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट। अगर आपका प्लेसमेंट हुआ है या आपको जॉब रोल दिया गया है ब्रांच बैंकिंग में, ब्रांच में दिया गया, तो सॉल्यूशन मैनेजर का काम क्या होता है, क्या ये सेल्स प्रोफाइल है या फिर ऑपरेशन बेस्ड है, तो आज सॉल्यूशन मैनेजर के बारे में जानेंगे। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले सॉल्यूशन मैनेजर कैसे बनते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जान लीजिए, आपके पास 10+2 में, ठीक है, 10th में और 12th में 55% होने चाहिए। पीसीएम ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप वालों को ही मौका मिलता है सॉल्यूशन मैनेजर मिलने का, बनने का मोस्टली। ठीक है, उसके साथ साथ बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए कॉमर्स में, या फिर आपकी फाइनेंस से रिलेटेड कोई बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए सॉल्यूशन मैनेजर के लिए। राइट, अप्लाई कैसे करते हैं? मोस्टली आपको सॉल्यूशन मैनेजर की जो पोस्ट है ना, वो करियर पोर्टल पे जाके ही मिलती है। जब आप करियर पोर्टल पे जाते हैं किसी भी बैंक के, तो आप सर्च कर लीजिएगा या अप्लाई नाउ में जाके, ठीक है, एक अच्छी सी प्रोफाइल आपने बनाइए और रिज्यूमे अच्छा रखिए अपना। रिज्यूमे जिसका बेस्ट होता है ना, उसको उसका बहुत जल्दी शॉर्ट लिस्ट हो जाता है ना, प्रोफाइल उसका कंसिडर हो जाता है जॉब रोल के लिए। तो आपको जाके अपना प्रोफाइल बनाना और वहां से सॉल्यूशन मैनेजर के लिए अप्लाई करना है। सॉल्यूशन मैनेजर का अब हम बात करते हैं, सॉल्यूशन मैनेजर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, सॉल्यूशन मैनेजर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फर्स्ट थिंग, सबसे पहले तो ब्रांच बैंकिंग में है तो मोस्टली आपको बैकएंड का ही काम करने को दिया जाता है मोस्टली। लाइक सपोज कर लीजिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये रहेंगी, किसी कस्टमर को कोई क्वेरीज आएंगी, अब वो ब्रांच में आया, उसने फॉर्म भर के दे दिया, तो वो जो फॉर्म में जो उसकी क्वेरीज है वो आप पढ़ेंगे, एप्लीकेशन आप पढ़ेंगे, तो उसकी वो क्वेरीज आपको अपने सिस्टम में सॉल्व करनी है। तो सॉल्यूशन आपको ढूंढना, उस क्वेरीज का सॉल्यूशन ढूंढना, उस क्वेरीज को सॉल्व करना ही मोस्टली आपका काम रहता है सॉल्यूशन मैनेजर का। अब सेल्स का क्या रोल रहता है, क्या सेल्स आपको करनी पड़ेगी? बिल्कुल, आप ब्रांच बैंकिंग में है तो आपको सेल्स भी करनी पड़ेगी, चाहे फिर आपकी 40% सेल्स आपको करना पड़े। एक्टिवेशन आपको मोस्टली एक्टिवेशन चाहिए ही चाहिए, और जो आप काम करेंगे मोस्टली, जहां तक मैंने पता किया है, करंट अकाउंट में आप मोस्टली काम करते हैं सॉल्यूशन मैनेजर। तो इसमें फर्स्ट हो गया आपको बैकएंड में आपको ऑपरेशन का काम, ऑपरेशन में लाइक किसी कस्टमर की कोई क्वेरीज थी, उन्होंने एप्लीकेशन दी, फॉर्म भरा, आपने उस फॉर्म के थ्रू पढ़ा, हाँ ये क्वेरी है, और आपने अपने सिस्टम से उस क्वेरीज को ठीक किया, चाहे वो फिर क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेरीज हो सकती है। सेल्स आपको 40% करनी है मोस्टली, जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे लोन में एक्टिव होना, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट में क्रेडिट कार्ड में एक्टिव होना हो गया, लोन में एक्टिव होना हो गया, उसके साथ साथ आपको ये FD करवाना बिल्कुल रहेगा, ये टारगेट रहता है सॉल्यूशन मैनेजर का भी, वेल्थ मैनेजर का भी, रिलेशनशिप मैनेजर का भी, सारे जो भी मैनेजर्स होते हैं ना मोस्टली, चाहे उनको बेशक ऑपरेशन में जा रहे हैं आप, लेकिन आपको सेल्स करना ही करना है, क्रॉस सेल भी करना है आपको। तो 40% सेल्स का रोल कहीं नहीं गया है, तो सॉल्यूशन मैनेजर आप बन रहे हैं तो आपको सेल्स भी करना है, ध्यान रखिए। बाकी बैकएंड में जो चेक ट्रांसफर का काम दे दिया है आपको, ठीक है ना, IMPS वाला काम दे दिया आपको, ठीक है, और RTGS का काम दे दिया, जो भी आता है चेक वगैरह, आप 3 बजे के बाद जब ब्रांच क्लोज हो जाता है, कस्टमर के लिए, आपके लिए नहीं, आपका टाइमिंग रहता है 9 बजे से शाम के 7 या 8 बजे तक, जब तक आपका काम फिनिश नहीं हो जाता, सारे चेक आपको ट्रांसफर करने, RTGS करना, और जो एप्लीकेशन आई है, जो इश्यूज आए हैं कस्टमर के म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, या फिर नया अकाउंट खोलने से रिलेटेड, या फिर डीमैट से रिलेटेड, वो सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए ही सॉल्यूशन मैनेजर को हायर किया जाता है। तो मोस्टली आपका काम सिस्टम पे ही होगा, एक डेस्क आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, उस डेस्क पे बैठ के आपको सॉफ्टवेयर दे देंगे, CRM हो गया और अदर सॉफ्टवेयर होते हैं बैंक के पास, वो सॉफ्टवेयर आपको दे देंगे और आपको वो देखना है और सारी क्वेरीज को आपको सॉल्व करते रहना है। कस्टमर को कॉल भी करना पड़ सकता है आपको किसी क्वेरीज के लिए कि सर ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये ऐसा कर दिया, ठीक है, वो बिजनेस भी, FD भी लाएंगे, लोन भी करवाना है, डीमैट भी खुलवाना है, म्यूचुअल फंड भी करवाना है, तो सेल्स से कहीं नहीं बच रहा है, सेल्स आपको करनी करनी है सॉल्यूशन मैनेजर जो भी बन रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन मैनेजर को सेल्स करना ही करना है, सेल्स से आप नहीं बच सकते हैं, ठीक है। वर्क आपका यही रहता है कि आपको मोस्टली तो ऑपरेशन का काम करने को दिया जाएगा, किसी किसी ब्रांच में सेल्स भी दे देते हैं शुरू में, तो वो डिपेंड करता है आपके जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी या जो टीम लीडर होंगे उन पे डिपेंड करेगा। सैलरी एक्सपेक्टेशंस अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन मैनेजर की सैलरी, इन हैंड सैलरी, बैचलर डिग्री के बाद आप लगते हैं तो 18,000 प्लस रहती है, और सैलरी भी आपकी जो डिसाइड होती है वो होती है मेट्रो सिटीज के अकॉर्डिंग, सिटी A सिटी, B सिटी, C सिटी के अकॉर्डिंग सैलरी आपकी डिसाइड होती है।
ठीक है। और जो एक्सपीरियंस पर्सन है, लाइक 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, उनकी सैलरी उनका पैकेज रह सकता है, मिनिमम पैकेज 6.5 लाख से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम 13.5 लाख तक जा सकता है, जिनको 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, जो सॉल्यूशन मैनेजर में सिलेक्ट हो रहे हैं। और जो MBA के बाद सिलेक्ट हो रहे हैं या कोई मास्टर डिग्री के बाद सॉल्यूशन मैनेजर में आप सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आपका मिनिमम पैकेज रहेगा मिनिमम 3.5 लाख, मैक्सिमम 5.5 लाख तक आपका जा सकता है। ठीक है, जो MBA के बाद, अब जिनको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है उनका मिनिमम 4.5 लाख पैकेज रहता है, 2 साल से ऊपर के एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी बैंकिंग डिपार्टमेंट का। तब अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट से आ रहे हैं तो आपका पैकेज 3.90 या 4.10 के आसपास रहेगा। ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता चलेगा, सॉल्यूशन मैनेजर का बैकएंड का मोस्टली ऑपरेशंस का काम, ठीक है, कस्टमर की क्वारीज वगैरह सॉल्व करना, और देखिए आपको फ्रंट डेस्क भी दे सकते हैं, वो ब्रांच मैनेजर डिप्टी ब्रांच मैनेजर डिसाइड करते हैं कि आप ब्रांच में हैं तो फ्रंट डेस्क भी दे देंगे कि कस्टमर आ रहा है, इसके क्वारीज को सॉल्व करना है आपको और इंस्टेंट इस पर एक्शन लेना है, क्वारीज पर बिजनेस भी निकालना है, क्रॉस सेल। ठीक है, कस्टमर आया अपनी क्वारीज को लेकर और आपने उसको FD के लिए पिच कर दिया, तो ये साइड से आपका टारगेट भी होता रहता है और आप काम भी कर जाता है। तो ब्रांच में आपका बैकएंड का काम रहेगा, जो भी सोल्यूशन मैनेजर बनने जा रहे हैं उसके साथ साथ सेल्स से आप नहीं बच सकते, सेल्स है ही करनी होती है, आजकल तो हर ऑपरेशन वाले को मोस्टली सेल्स करनी पड़ रही है ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में और बैंकिंग डिपार्टमेंट में। बैंक आपकी कोई सी हो, ऑपरेशन वालों को भी क्रॉस सेल का अब ऑप्शन आ गया कि 30% सेल करना ही करना है, क्रॉस सेल करना ही करना है। ठीक है, तो ये नहीं बच सकते। तो आज की वीडियो थी सॉल्यूशन मैनेजर पे ओवरऑल। ठीक है, सॉल्यूशन मैनेजर का आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दें, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, अब टारगेट कितना आता है, तो टारगेट तो दोस्त कभी खत्म नहीं होता, टारगेट ऐसा रहेगा अगर आज सौ चेक आए हैं तो आपको करके ही जाना है। ठीक है, 100 एप्लीकेशन आई हैं, 100 फॉर्म आए तो कंप्लीट करके जाना है, कम से कम 90 तो आपको करना ही करना है, ये आपका टारगेट रहता है, चाहे फिर 8 बज जाए 8:30 बज जाए आपको करके जाना है। ठीक है, सेकंड थिंग, प्रेशर किस चीज़ का आता है, प्रेशर आपको जो बैक एंड ऑपरेशन की जॉब होती है ना उसमें प्रेशर आपको ये कंप्लीट करो भाई, ये फाइल करो, ये आई है, सेल्स का भी प्रेशर आता है कि यार आप इस प्रोडक्ट में एक्टिव नहीं हो रहे हो, क्यों नहीं हो रहे हो, तो प्रेशर टारगेट ये सब रहता है और रहेगा, चाहे वो कोई से भी मैनेजर हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आई होप आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा तो इन्फॉर्मेशन सॉल्यूशन मैनेजर के बारे में पता चला होगा। ठीक है, और जो आप गूगल पे सर्च मारते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है जब आप ब्रांच में आते हैं, ब्रांच में कुछ और ही होता है, ब्रांच में कुछ और कहने का मतलब है कि आप सॉल्यूशन मैनेजर बन के आए, आप वेल्थ मैनेजर, आप रिलेशनशिप मैनेजर, सीनियर ऑफिसर, कुछ भी बन के आए, सेल्स तो आपको करनी ही करनी है, मोस्टली सेल्स तो करनी है और ऑपरेशन भी आपका रहेगा 3 बजे तक, उसके बाद सॉल्यूशन मैनेजर को तो खैर चेक RTGS एप्लीकेशन में मोस्टली काम करना होता है, बट उसके साथ साथ सेल्स है, तो जो रियलिटी है वो आप ज्वाइन करके ही पता कर पाएंगे। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जो मैं एक्सपीरियंस मेरे फ्रेंड लोग हैं सॉल्यूशन मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, बहुत सारे अलग अलग बैंक में हैं, तो मैं एक्सपीरियंस लेता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच यार, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, आई होप सो। इफ यू लाइक, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी, कोई भी क्वेरीज है प्लीज कमेंट मी, आई विल सॉल्व योर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। इफ यू हैव lots of queries, then message me on WhatsApp, I will reply and I will solve your queries, we will talk on WhatsApp. So thank you so much yaar, all the best, stay safe, stay happy. If you have if you want other information, then comment me, I will read your comment, then I will reply and I will make a video on your topic. So thank you so much yaar once again.